The main agenda of this video is to tell you the 60 most important topics for the HP NAIP Tehsildar examination. मैं आपको बताऊंगा 60 most important topic जो आपकी preparation का हिस्सा पक्का होने चाहिए. I hope कि आप सब ने हमारा YouTube channel join कर लिया होगा और अगर कोई बच्चा new है तो YouTube channel join कर ले और Telegram channel को subscribe कर ले. Telegram channel का जो link है वो नीचे description box में है. दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है कि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं और जब आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन टॉपिक को तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. इन टॉपिक में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इन 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश HPNT एग्जामिनेशन में आपसे 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 40 क्वेश्चन हिमाचल जीके के पूछे जाते हैं. लेकिन ये डिवीजन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है. हमें कई बार जीएस के क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द करंट अफेयर. तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, टॉपिक्स हैं जो जीएस में आपको प्रिपेयर पक्का करनी है. अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश एक्ट. जो भी अंग्रेजों के टाइम पर डिफरेंट एक्ट आए हैं, भले वो चार्टर एक्ट हो, भले वो इंडियन काउंसिल एक्ट हो या भले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1935 हो, आपको उनके प्रोविजंस ढंग से पता होने चाहिए, बहुत ढंग से पता होना चाहिए. और क्योंकि आपका ईयर 1922 के 100 साल हो चुके हैं 2022 में, तो ज्यादातर चांसेस ये है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा. तो ब्रिटिश एक्ट हमारी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए. देन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आपको दो या तीन क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं HPNT के एग्जाम में, वो है इंडियन प्रेसिडेंट. इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इनकी पावर्स कौन कौन सी हैं, उनके आर्टिकल रिलेटेड कौन कौन से हैं, पार्डनिंग पावर का आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल इनको इम्पावर करता है विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन प्रेसिडेंट. देन पंचायती राज, पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कहां पर आया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, 73rd अमेंडमेंट में वुमेन की 1/3 रिजर्वेशन कहां पर दी गई है, कौन से आर्टिकल में. तो यहां पर अगेन पंचायती राज किसी बच्चे ने नहीं छोड़ना है, कोशिश ये करने की ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. देन पार्लियामेंट्री बिल्स और खासकर मनी बिल, मनी बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको पता होने चाहिए, यूनिकनेस पता होनी चाहिए. और उसके साथ साथ मैंने एक लेक्चर बनाया है मनी बिल के ऊपर, आप वो भी पक्का देखिएगा, ठीक है. देन द इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत डीप में नहीं जाना है, किसी भी टॉपिक में, इनमें से किसी भी टॉपिक में बहुत डीप में नहीं जाना है. आपको अगर आर्टिकल्स पता है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता है, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स में आपको सारे आर्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन है वो पता होने चाहिए और कौन सी कैटेगरी में कौन सा राइट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इमरजेंसी प्रोविजन, अगेन आर्टिकल्स बहुत जरूरी है. आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, 356 किससे रिलेटेड है, 360 किससे रिलेटेड है, क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में आपको पक्का देखने को मिलेंगे. तो अगर पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो आपसे 5 क्वेश्चन इन डायमेंशन में से पक्का पूछेंगे, ठीक है. अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और उनके न्यूज़पेपर. देखिए आप सब जब पढ़ते हैं तो आपने देखा भी होगा कि जो भी मेजर नेशनलिस्ट थे हमारे, गांधी जी की बात कर लें, एनी बेसेंट की बात कर लें, तिलक की बात कर लें, गोखले जी की बात कर लें या फिर दादा भाई नेहरू जी की बात करें, तो वो सभी किसी ना किसी न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे. और यहाँ पर आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर का, आपसे या तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके पूछ लेंगे कि एक तरफ न्यूज़पेपर दे दिए और एक तरफ आपको लीडर्स के नाम दे दिए और बोला कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका इनमें से कौन एडिट करता था, 4 ऑप्शन दे देंगे. तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और न्यूज़पेपर दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से एक पेज बना लो और वहां पर इसको कवर कर लो. और मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी लेकर आता हूं जहां पर मैं आपको इसको अच्छे से कवर भी करवा देता हूं, ठीक है. देन गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वदेशी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. और यहां पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जो बिफोर कांग्रेस थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया या फिर आफ्टर कांग्रेस हिंदू महासभा हो गया, RSS हो गया, इनके बारे में आपको फाउंडिंग ईयर, फाउंडिंग मेंबर, ये आपको पता होने चाहिए. देन गांधीयन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीयन थॉट और गांधीयन मूवमेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका कोरिलेट करता है. स्वदेशी के पीछे एजेंडा क्या था, स्वराज का मेन मीनिंग क्या था. तो अगेन जितनी भी मेजर नेशनलिस्ट मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा लॉन्च करी गई, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चंपारण, खेड़ा एंड देन दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद NCM एंड CDM एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी आपको अच्छे से पता हो. देन सोशल रिलीजियस मूवमेंट जरूरी है, फैराजी हो गया, सन्यासी रिवोल्ट हो गया या फिर और भी बहुत सारे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज,
इनमें से कुछ जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट हैं वो आपको याद रखने हैं। देन इंपॉर्टेंट इवेंट, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट बहुत सारे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको ईयर और उसमें क्या हुआ था हल्का सा पता होगा तो भी चलेगा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में, क्या हुआ था, यहाँ पर मुस्लिम इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हुई थी। देन स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी, ईयर अगर पता होंगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो मॉनेटरी एंड बजटरी पॉलिसी, लेकिन यहां पर बहुत डीप में नहीं, आपको यह पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेपो रेट बढ़ाने हैं या कम करना है तो कौन कौन से टूल यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव टूल कौन से हैं, क्वालिटेटिव टूल कौन से हैं, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, अगर बेसिक टर्म्स की नॉलेज है तो पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली। देन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनके फाउंडर किस चीज से रिलेट करते हैं, ये दो तीन पॉइंट आपको पता हो चलेगा। देन इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के बेसिक फीचर, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर की GDP क्या होती है, इंडिया के कौन से सेक्टर की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है GDP में, चलेगा। गवर्नमेंट स्कीम खासकर वो जो बहुत न्यूज में है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM किसान सम्मान निधि, आपको पता होनी चाहिए। एंड 5-year प्लान, खासकर जैसे कोई इंपॉर्टेंट अगर टर्म है, रोलिंग प्लान है जैसे मान लो, वो आपको पता हो तो चलेगा, ठीक है। देन गांधीयन थॉट में इन बेसिक टर्म्स के मीनिंग पता हो, मीनिंग पता हो दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर आपको क्लैरिटी है टर्म्स की तो आप क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर लेंगे। ट्रस्टीशिप हो गया, स्वराज एंड स्वदेशी हो गया, एंड वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम नई तालीम के नाम से जानी जाती है, ठीक है, 1937 की स्कीम है, और यहाँ पर गांधी जी के आइडियाज को हमें पूरा एलोबरेट मैनर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कोट मिलती है कि ये कोट किसके द्वारा थी और उनमें ऑप्शन गांधी जी है, तो दोस्तों ज्यादातर उसका आंसर गांधी जी होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गांधी थॉट का होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि गांधी जी की जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं एक बार उन पे भी नजर मार लें। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर एक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बुक क्लास 11th की है, उससे बहुत सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन पीक्स या प्लेट्यूज, आपसे मलनाडु के बारे में पूछा है क्वेश्चन, माउंटेन पीक्स के बारे में पूछते हैं वो। देन बायोस्फीयर रिजर्व एंड रामसर साइट, रामसर साइट उनका एक पेट क्वेश्चन है, दोनों बार हमें देखने को मिला है 16 में भी 18 में भी, तो ये टॉपिक अगेन प्रिपेयर करना है। कुछ नई साइट ऐड हुई है रामसर कन्वेंशन की, तो उनको आपने नोट डाउन पक्का करना है। देन सॉइल एंड वेजिटेशन, सॉइल एंड वेजिटेशन में आपको बेसिकली कि जो ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लैटराइट सॉइल, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके अगर कोई डिफरेंट नेम है वो आपको पक्का पता हो, जैसे रेगुर सॉइल को हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर हिमाचल ज्योग्राफी एंड स्पेसिफिकली फॉर दी आपकी इंडियन ज्योग्राफी। देन मैप लोकेशन, मैप लोकेशन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एटलस देखना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट इन अ डे, 15 मिनट अगर आप एड्रेस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हैदराबाद यहाँ पर है या फिर बेंगलोर यहाँ पर है या फिर जबलपुर आपका यहाँ पर है। ये एक आइडिया लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एड्रेस थोड़ी देर 15 मिनट एक बार ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। देन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे ज्यादा डीप में ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का, वो क्या कर रहे हैं कि आपसे लिथोस्फीयर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्रस्ट में मैक्सिमम एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है ये पूछ लेंगे। तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा फ्रॉम द सेकंड और थर्ड चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। देन कल्चर में दो ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार उन्होंने बस म्यूजिक का क्वेश्चन पूछा है, वो है इंडियन आर्ट एंड पेंटिंग, खासकर मॉडर्न आर्ट एंड पेंटिंग, क्योंकि अविंद्रनाथ टैगोर, उनको दो बार हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन आर्किटेक्चर, और यहाँ पर आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना है, थोड़ा मुगल आर्किटेक्चर, सिख आर्किटेक्चर और जो आपकी मॉडर्न आर्किटेक्चर है, खासकर जो हमारी लेफ्टिनेंट्स की बिल्डिंग वगैरह है उनके बारे में पढ़ लीजिए। इंडियन म्यूजिक में एक ओवरऑल आइडिया, डीप में नहीं कि कौन सा राग है, उसका मीनिंग क्या है, नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन सा कैरेक्टर है, किस चीज से रिलेट करता है, सुबह लक्ष्मी किस चीज से रिलेट करती है, वो भी चलेगा। देन जर्नल साइंस कम पढ़ते हैं और एक करंट अफेयर के सेक्शन में बेसिकली आता है। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, मेट्रोपिया या फिर कौन सी लेंस को हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। देन एसिड एंड बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर वो जो जर्नल यूज किए हैं वेरियस डिजीजेस, जैसे एक बार उन्होंने कवक किशोर का पूछा है और एक बार उन्होंने रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में पूछा है, तो चांसेस हैं कि डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछे। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, आपको पहला आइडिया तो ये होना चाहिए कि कौन सा डिजीज किसकी वजह से होता है, कॉजल एजेंट कौन सा है, कि बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर प्रोटोजोन है, एक तो ये आइडिया हो, और दूसरी बात कि वो कौन से ऑर्गन को हमारे अंग के परेशान करता है। विटामिन डिफिशियंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट दोस्तों दो बार हमें पेपर में देखने को मिले हैं और पेपर में बहुत स्पेसिफिकली पॉल्यूटेंट का क्वेश्चन आता है,
एटॉमिक टर्म्स जो है, एटॉमिक टर्म्स जैसे पहली बात तो किस चीज को किसने खोजा, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को किसने खोजा, उसके बाद कि आपकी जो आइसोबार है, आइसोमर है, आइसोटॉप है, इनका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीएनजी एंड एलपीजी, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में पक्का होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों यूज करते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये टॉपिक आपका बहुत बार पेपर में दिख रहा है हमें। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में कुछ डायमेंशन दोस्तों आपकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनाती हैं। अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज, हर साल का नोबेल प्राइज आपको पता होना चाहिए, छह फील्ड जो है उनमें किसको किस चीज का नोबेल प्राइज मिला है और वो किस डिस्कवरी के लिए मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन किसी कंट्री का अगर सिविलियन ऑनर किसी को मिला है इंडियंस को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का किसको मिला है, यूएई का किसी को मिला है, तो ये टॉपिक नोट कर लीजिए। देन पद्मा अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मा में आपके पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, चार पांच तीन कैटेगरियां सॉरी, वो आपको पक्का पता हो। देन फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड अगर कोई है, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ठीक है, या फिर नेशनल अवार्ड होते हैं फिल्म फेस्टिवल वगैरह के, तो वो आपको पक्का पता हो। स्पोर्ट्स अवार्ड जरूरी है, ठीक है, जैसे किसी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है या ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है, और ओलंपिक इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एनटी से अगस्त में ओलंपिक हुआ है, एनटी से एक साल पहले के अंदर, तो आपको वो टॉपिक कवर करना है। देन कुछ मिसलेनियस अवार्ड होते हैं, जैसे बुकर प्राइज हो गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गए, तो उनको भी आपको अगर वो है न्यूज में तो पक्का पढ़ना है, ठीक है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इनमें कहीं ना कहीं पूरे साल एक्टिव रहता है, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, एससीओ हो गया, क्वाड इस बार इंपॉर्टेंट है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एशियन, यूएन और यूनेस्को, इनके ऊपर क्वेश्चन हमें दो बार देखने को मिला है, बट ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर मिस हो भी रहे तो भी चलेगा। अपॉइंटमेंट्स बहुत जरूरी है, खासकर किसमें, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो वो इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉइंटमेंट हुई है, इंडिया के किसी बंदे को आईएमएफ में अपॉइंट कर दिया गया है, वर्ल्ड बैंक में कोई अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर इंडिया का कोई आदमी आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट में गया है, तो वो अपॉइंटमेंट आपको पक्का नोट डाउन करनी है। आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, आप इन डायमेंशन का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई पर्टिकुलर मैगजीन मिल जाएगी जो इन टॉपिक को कवर करेगी, मेरा पर्पस क्या है बताने का कि जब भी आप न्यूज देखें तो आपकी एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि यार ये डायमेंशन मेरी कवर होनी चाहिए पक्का, ठीक है। अदर्स में आपको अगर कोई स्पोर्ट्स माइलस्टोन है, फॉर एग्जांपल अभी आर अश्विन ने अनिल कुंबले का सॉरी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वो आपको पक्का नोट डाउन हो, या फिर कोई और मेजर माइलस्टोन आया है कि शेन वॉन के बारे में आपको पता हो क्योंकि उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वो पर्सनैलिटी जो काफी न्यूज में है, या जैसे हम बोले गीता गोपीनाथ जी हैं आईएमएफ की जो पहले चेयरमैन थी, उनके बारे में आपको पता हो। नए स्पेस मिशन, खासकर गगनयान इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंडियन ह्यूमनॉइड है उसका नाम क्या है। इंपॉर्टेंट डेज अगर कोई न्यूज में है, क्योंकि योगा डे के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अगर कोई नया दिन घोषित किया गया है और वो इंडियन स्पेसिफिक है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करें अगर हिमाचल जीके की, तो दोस्तों हिमाचल में हिस्ट्री बहुत वाइड है, बहुत वाइड, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट किंग्स एंड किंगडम की बात करूं तो पांच किंगडम ऐसे हैं और उनमें से भी तीन बहुत ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आ ही रहा है। अगर आप ये तीन देखें तो क्वेश्चन पक्का आ रहा है और कई बार तो एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, इनकी हिस्ट्री, इनके इंपॉर्टेंट किंग्स खासकर मिडिवल इंडिया के आपको अच्छे से पता होने चाहिए, मिडिवल हिस्ट्री के, शिमला एंड मंडी, इनसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये तीन आपके प्रायोरिटी में है। हिमाचल की ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो माउंटेन रेंजेस, पीक्स एंड पासिस इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर, रिवर एंड लेक, एंड पार्क्स एंड सेंचुरीज, ये छह डायमेंशन अगर आप प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, आई एम प्रीटी श्योर कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा है। अगेन मैं मानता हूं कि कवरेज बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर रिवर्स भी बहुत सारी हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को बस ये नोट करना है कि क्या मुझे टॉपिक आता है, आपने पढ़ा है कहीं, सोचो उसको कि क्या मैं उसको रिटेन कर पा रहा हूं, जो चीज भूल रहे हो उसको दोबारा पढ़ो ताकि वो आपके दिमाग में घुसती जाए बार बार। इन टॉपिक्स को बताने का मतलब ये है कि जब आप ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। देन एचपी कल्चर में फेयर एंड फेस्टिवल, टेंपल आर्किटेक्चर, पगोड़ा वगैरह, पेंटिंग्स कोई इंपॉर्टेंट है, खासकर कांगड़ा पेंटिंग्स या फिर आपकी कोई और अगर पेंटिंग है तो बशौली पेंटिंग। देन ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको अलग से कवर भी करवा रहे हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक्स भी हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सेंसस पे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, खासकर लिटरेसी रेट पे हो गया, कौन सा हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो अभी भी इस बार भी ये पेपर में आपके इंपॉर्टेंट है। देन प्रजामंडल,
इम्पोर्टेंट बैटल्स एंड ट्रीटीज एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज। अगर हिमाचल प्रदेश का कोई आदमी है जिसने कोई इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हासिल किया है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे कोई बहुत तगड़ा अवार्ड मिला है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज सुनी थी शायद कि हिमाचल की एक लड़की को ऑस्ट्रेलिया में कोई अवार्ड मिला है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस बार अगर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आप देखें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया है कि नाटो इम्पोर्टेंट हो गया है, रशिया यूक्रेन वॉर में कोई अगर प्लेस है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अपनी ना जो जागरूकता है उसको थोड़ा सा आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। आपने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे, उनको रिवाइज करते रहिए और थोड़ी सी अपनी ओरिएंटेशन देखिए कि पेपर में क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये पीवाईक्यू के बेसिस पर है, सिलेबस के बेसिस पर है। इनको मिस नहीं करना है, इन डायमेंशन को मिस नहीं करना है। आप जब भी पेपर दें, जब भी प्रिपरेशन को अपनी एनालाइज करें तो ये पक्का नोट करें कि आपने डायमेंशन कवर कर लिए हों। ठीक है, तो ये पूरी एक मैसेज था मेरी तरफ से कि इन 7 टॉपिक को अपने दिमाग में रखना। और इसके साथ अगर कोई बच्चा हमारी HPNT की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है जहां पर हमने 5 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं और हम इन 60 डायमेंशंस के हिसाब से ही आपसे टेस्ट पूछेंगे और उनमें नई डायमेंशंस भी ऐड होंगी, नया पैटर्न भी होगा, तो आप इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, 499 प्राइस है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। पहला टेस्ट आपका होने वाला है 25 मार्च को। ठीक है, तो आप लोग अगेन हिस्सा बन सकते हैं टेस्ट सीरीज का और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आपको कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर या एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutech.co.in पर और मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो मैं कुलदीप पाठक आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन में इन 7 टॉपिक्स को पक्का पक्का अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।